हमेशा अशोक चौहान। देश और दुनिया की तमाम खबरों पर आइए डालते हैं एक नजर। 6 तारीख को शाम लगभग 6:30 बजे के आसपास पीएनबी के बैंक मैनेजर के साथ हत्या और लूट के संबंध में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण अमित वर्मा ने खुलासा करते हुए बताया कि घटनास्थल के अवलोकन, बैंक कर्मचारियों के बयान और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आज 5 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है। इस मामले में अब 11 लोग जेल जा चुके हैं और फिर भी मुख्य आरोपी पुलिस की पकड़ से बाहर है। गिरफ्तार किए गए अभियुक्तों में आलोक राय, विकास गौड़, राहुल तिवारी, नितेश सिंह व अरुण मिश्रा रहे, जबकि 2 अभियुक्त अभी भी पकड़ से बाहर हैं। गिरफ्तार किए गए अभियुक्त के पास से 1,250 रुपए व 1 तमंचा, 315 बोर, 1 स्कॉर्पियो बरामद हुआ। घटना पूरी नियोजित थी। पकड़े गए अभियुक्त के ऊपर गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्यवाही किया जाएगा। गिरफ्तार करने वाली टीम में इंस्पेक्टर फूलपुर, दुर्गेश कुमार इंस्पेक्टर क्राइम, अश्वनी कुमार थाना अध्यक्ष चौबेपुर, राजेंद्र त्रिपाठी व पूरी टीम मौजूद रही। द्वारा किस प्रकार का वर्कआउट है? देखिए, ये अभी 2 दिन पहले जो है बैंक मैनेजर साहब की जो हत्या के साथ हत्या हुई थी उसमें खुलासा किया गया था अर्जुन मोदी द्वारा। उसी के अनुक्रम में जो है जो आगे के उसमें कुछ लोग बचे हुए थे उसमें 5 लोग की आज गिरफ्तारी हुई है। इसमें जो मेन घटना करने के समय जो लोग मौजूद थे उनमें से कुछ लोगों की गिरफ्तारी हुई है। अभी उसमें भी 2-3 लोग शेष हैं और जो आलोक राय थे, आलोक राय के संपर्क में जो लोग, विकास तिवारी, विकास, राहुल तिवारी, नितेश, धीरेन्द्र, राजू पंडित, इन सब आलोक राय के माध्यम से जो है इनके बारे में जानकारी हुई और इनसे से लगभग 4 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। घटना के बाद किस तरह से इन्होंने घटना कारित करी, घटना के समय इसमें जैसे ये लोग दूसरे जनपद से चल के गाजीपुर से चल के आए थे स्कॉर्पियो में, स्कॉर्पियो भी बरामद हुई है जिस स्कॉर्पियो से घटना की गई थी और कुछ पैसा भी बरामद हुआ है। अभी कुछ अभियुक्त शेष हैं और जल्दी उनकी गिरफ्तारी होगी, बाकी बरामदगी से ठीक है। गिरफ्तार किए गए अभियुक्त के ऊपर पूर्व में कोई आपराधिक इतिहास है? अभी इस चीज़ का देखिए इन्वेस्टिगेशन है ये, और क्योंकि इंटर डिस्ट्रिक्ट का मामला है हम लोग ये खंगाल रहे हैं। कई बार ऐसा भी होता है कि अपराध करने के बाद भी जो है आपराधिक का प्रकाश में नहीं आता है, उस एंगल से भी हम देख रहे हैं। लेकिन निश्चित ही देखने से लग रहा है घटना करने से कि क्यों इतना कुछ इन्होंने पहले अपराध किया होगा, उसका भी जो है हम लोग जानकारी कर रहे हैं। काम करने का तरीका इनका क्या रहा अब प्रथम दृष्टिया पूछताछ में? देखिए, प्रथम दृष्टिया जो लग रहा है कि ये पैसा इन्होंने जो है इनको जब जानकारी हो गई थी कि बैंक मैनेजर के पास जो है पैसे का व्यवस्था है तो इनका ये थी कि किसी तरह ठगी करके या उनको छीन के जो है पैसा हम लोग ले लें। जब इनके पास ये वहाँ श्योर हो गए कि उनके पास पैसा है, इन्होंने पैसा देख लिया, तब अचानक जब RTGS करने वाली बात आई, बैंक मैनेजर ने इंसिस्ट किया कि RTGS करिए, उसके बाद ये पैसा दूंगा, तो इन्होंने जब सामने पैसा देखा तो इनको लगा कि अब पैसा लेने के लिए हम कुछ भी करें, तब इन्होंने जो उनको गोली मार के पैसा उनसे छीन लिया। सर, क्या घटना में प्रयुक्त मुख्य आरोपी अभी तक पकड़ा गया है? देखिए, ये भी मुख्य आरोपी भी ये हैं। घटना के समय इनमें से भी 2-3 लड़के मौजूद थे, लेकिन जो अभी गोली मारने वाले लड़के थे वो 2 लड़के अभी फरार हैं। कोई घटना के समय करने के बाद ही वो रास्ते में उतर गए थे, तो उनके विषय, उनकी शिनाख्त हो गई है, जानकारी हो गई उनकी।